नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फन सिटी में स्वागत है। पिछली वीडियोज में हम पढ़ चुके थे यण संधि, अयाद संधि। अब अगली वीडियोज में हमें पढ़ना है वृद्धि संधि और दीर्घ संधि। फिर अगली वीडियोज में हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज के टॉपिक है हमारा पहला वृद्धि संधि। वृद्धि का अगर हमें फार्मूला पता करना है तो यहाँ देखो लिखा है 1+3। देखो वृद्धि हो रही ना, इसमें एक में सीधा वृद्धि हो रही कितने की, दो की। तो एक में सीधा दो की वृद्धि होकर के तीन हो गया। देखो सब में एक एक की वृद्धि हुई थी अभी तक, इसमें क्या हुआ था, इसमें घाटा हुआ था, लेकिन इसमें एक से सीधा तीन हो रहा है तो क्या हो रही है, वृद्धि। तो हम फार्मूले को कैसे याद रखेंगे, 1+3=वृद्धि, 1+3=वृद्धि। अब हम इसके कुछ उदाहरण जान लेते हैं। कह रहा है जैसे वृद्धि संधि में मतैक, क्या कह रहा है, मतैक। तो मतैक को जब हम विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, मत प्लस एक। तो अब ये क्या हो गया, ता में देखो क्या है, आ है, एक हो गया। एक इसमें आता है तीन की श्रेणी में, तो 1+3=यण संधि। ऐसे फिर कह रहा है सदैव, तो सदैव को जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सदा प्लस आयो। तो दा में देखो आ की मात्रा है, एक आ गया, ए आया तीन नंबर पर, तो एक और प्लस थ्री क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि। फिर कह रहा है दंतोष्ट, दंतोष्ट का विच्छेद क्या होगा, दंत प्लस ओष्ठ, क्या होगा, दंत प्लस ओष्ठ। तो देखो एक नंबर और तीन नंबर, तो 1+3=यण संधि। ऐसे याद रखेंगे इस फार्मूले से। फिर कह रहा है महोदर, तो महोदर क्या होगा, महाधन औदर, क्या होगा, महाधन औदर। तो अब ये क्या हो जाएगा, एक और तीन, 1+3=यण संधि। अब कह रहा है हमारा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का फार्मूला होता है, क्या होता है, 1+1, 2+2, 3+3। वह दीर्घ संधि में तीन फार्मूले, 1+1, 2+2, 3+3। कौन से, 1+1, 2+2, 3+3। देखो यहाँ पर देख लो इसे, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ये बॉक्स में दीर्घ संधि 1+2। तो इसको आप अच्छे से देख लेना। अब उदाहरण के लिए हम अभी बताएंगे, जैसे कह रहा है क्या आया था फार्मूला हमारा, 1+1, 2+2, 3+3। अगर ये कहीं मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि। जैसे विद्यालय, क्या हो जाएगा, विद्यालय। ये किसका है, दीर्घ संधि का। अब कैसे, विद्यालय को जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, विद्या प्लस आलय, क्या हो जाएगा, विद्या प्लस आलय। अब देखो द्या में आ की मात्रा और यहाँ पर भी आ, अब दोनों किस में आता है, आ किस में आता है, एक में, बड़ा किस में आता है, एक में। तो 1+1=दीर्घ संधि। फिर ऐसे कोई उदाहरण देख लेना कि 2+2 आ रहा हो, जैसे वधूर्मी, क्या होगा, वधूर्मी। जैसे वधूर्मी का विच्छेद हो जाएगा, वधु प्लस ऊर्मी, क्या हो जाएगा, वधु धन ऊर्मी। तो देखो बड़ा छोटाओ की मात्रा यहाँ और पढ़ाओ यहाँ, छोटाओ बड़ाओ किस में आते हैं, 2+2 में। तो क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि, क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि। तो 1+1 दीर्घ संधि, 2+2 दीर्घ संधि, 3+3 दीर्घ संधि। अब 3+3 का उदाहरण कोई देख लेना जिसमें दोनों और आ रहा हो, ओ आओ या कुछ भी आ रहा हो, ए आए, तो ऐसे हो जाएगा। लेकिन आप इसको दीर्घ संधि को अच्छे से देख लेना, 1+1, 2+2, 3+3। 1+1=दीर्घ संधि, 2+2=, मतलब समान वर्ण अगर मिल रहे हैं, समान श्रृंखला के वर्ण, तो क्या हो जाएगा हमारा, दीर्घ संधि। तो अब इसके मतलब स्वर संधि के सारे भाग खत्म हो चुके हैं। पिछली अगले वीडियोज में हम लाएंगे क्या, व्यंजन संधि को।
अच्छे से समझाएंगे, विसर्ग संधि को अच्छे से समझाएंगे। अगर आपको स्वर संधि में अगर कोई डाउट ना बचा हो तो एक बार इसे झूम करके लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो लोग सब्सक्राइब ना किए हों अभी तक वो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।